स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो नंबर थ्री बच्चे हम क्या कर रहे हैं वी आर क्रिएटिंग अ फॉर्म यूजिंग द फॉर्म डिजाइन ऑप्शन ठीक है वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फॉर्म हमने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है नेम एज स्टूडेंट एंड और इसमें हमने क्या किया है फ्रॉम द प्रॉपर्टी शीट ऑप्शन अवेलेबल इन डिजाइन टैब हमने ऑलरेडी यहां से कुछ फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है फॉर्म के ऊपर ठीक है और टाइटल भी ऐड कर दिया है लोगो भी ऐड कर दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद नाउ आई वांट टू ऐड एन अनदर फील्ड विच कंटेन्स अ कॉम्बो बॉक्स ठीक है जिसमें मीन्स आपके पास ऑप्शन आएंगी आप उस एक ऑप्शन में उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकोगे ओके फॉर दिस आई वॉन्ट टू क्रिएट एंड अनदर फील्ड ठीक है उसके लिए मुझे एक और फील्ड बनाना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स को यूज करने के लिए चलिए पहले टेबल में फील्ड क्रिएट कर लेते हैं नेम ए है सिटी उसके लिए क्लिक फ्रॉम द नेविगेशन पेन क्लिक ऑन द स्टूडेंट टेबल ठीक है या तो यहाँ लेफ्ट साइड से कीजिए या ऊपर टॉप पे ही आपको टैप्स दिखा रहा है आपने जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं उनके लिए एक टैप दिखा रहा है आपको आप स्टूडेंट टेबल पर क्लिक करिए यहाँ से दिस इज योर डेटा शीट व्यू आपको पता है टेबल के दो व्यूज होते हैं डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू यू कैन एड अ फील्ड इन डिजाइन व्यू एज वेल एज इन डेटा शीट व्यू ऑल्सो मैं सीधा के सीधा डेटा शीट व्यू में ही फील्ड को एड कर रही हूं फॉर दिस राइट क्लिक किया मैंने इस फील्ड को रीनेम कर दिया इस कॉलम को एंड नेम दे दिया मैंने इसे सिटी ओके okay? और अगर आप इसकी डेटा टाइप सेट करना चाहते हैं जैसे आप डिजाइन व्यू में करते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन द डेटा शीट टैब क्योंकि यू आर इन द डेटा शीट व्यू तो आपको डेटा शीट व्यू टैब में ही क्लिक करना पड़ेगा टू सेट इट्स डेटा टाइप मैंने सिटी की डेटा टाइप टेक्स्ट ही लोगे ठीक है टेक्स्ट सेट कर दी अभी ये ब्लैंक है ठीक है आई वॉन्ट कि मैं कॉम्बो बॉक्स के थ्रू फॉर्म्स के फॉर्म के थ्रू इसमें डेटा एंटर करूँ ओके इस फील्ड के अंदर तो मैंने इस फील्ड टेबल को क्या कर दिया सेव कर दिया नाउ क्लिक ऑन द फॉर्म जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर रहे थे फॉर्म पे क्लिक किया वी आर इन द डिजाइन डिजाइन व्यू हम फॉर्म के कौन से व्यू पे है इस टाइम पे डिजाइन व्यू पे है ओके okay? डिजाइन में हमने ऑलरेडी थ्री फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया दैट इज स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट मार्क्स नेक्स्ट अब हम सिटी के लिए क्या करते हैं वी वॉन्ट टू एड अ कॉम्बो बॉक्स फॉर कॉम्बो बॉक्स यू हैव टू क्लिक ऑन द डिजाइन टैप एंड इन डिजाइन टैप देर इज अ कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर कॉम्बो बॉक्स है वेन यू क्लिक ऑन दिस कॉम्बो बॉक्स आपका जो कर्सर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा जब आप उसे सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां आपको डिजाइन करना है जहां आपको ये कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ करना है जैसे आप पेंट में किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हो तो योर कर्सर विल चेंज टू प्लस साइन एंड यू कैन ड्रॉ इट इसी तरह मैं यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स को क्या कर सकती हूँ ड्रॉ कर सकती हूँ आई कैन ड्रॉ इट नाउ दिस कॉम्बो बॉक्स इज अनबाउंड ये किसी के किस, किसी भी फील्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है दिस एक विजार्ड ओपन हो जाएगा जैसे ही आप कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करोगे विजार्ड जो ऑटोमेटिक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है जिस चीज़ को ठीक है ये आपको स्टेप्स बताता जाएगा कॉम्बो बॉक्स विजार्ड विल गेट ओपन नाउ देर देर आर थ्री ऑप्शंस दिस विजार्ड क्रिएट्स अ कॉम्बो बॉक्स व्हिच डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वैल्यू यू कैन चूज फ्रॉम हाउ डू यू वांट योर कॉम्बो बॉक्स टू गेट इट्स वैल्यू थ्री ऑप्शन आर देयर या आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू लुकअप द वैल्यूज इन अ टेबल और क्वेरी या तो आप किसी टेबल या क्वेरी की वैल्यू को यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में इंसर्ट करना चाहते हैं और वहां से चूज करना चाहते हैं सेकेंड थिंग यू कैन टाइप द वैल्यूज दैट यू वॉन्ट ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट और थर्ड ऑप्शन है फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माई कॉम्बो बॉक्स तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेकेंड ऑप्शन ये तीन ऑप्शन बटन है इन ऑप्शन बटन में यू कैन सेलेक्ट ओनली वन ठीक तो आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट मैं इस कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज टाइप करना चाहती हूँ सिटी के लिए जिसमें से मैं एक सेलेक्ट करूंगी हर एक रिकॉर्ड के लिए ओके नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन आई हेयर यू हैव टू टाइप द वैल्यूज ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप कर दी सिटी की वैल्यूज एक मैंने किया करनाल नेक्स्ट वन इज पानीपत next is ambala okay i am going to add three cities okay now click on next next button microsoft offices can store the selected value from your combo box in your database okay or remember the value so you can use it later to perform a task second two options are again remember the value for later use yes or store the values in the field आप किस फील्ड में इसकी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं किसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं इन वैल्यूज को आई वॉन्ट टू एसोसिएट विथ सिटी सिटी पे क्लिक किया नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन वट लेबल वुड यू लाइक टू गिव फॉर योर कॉम्बो बॉक्स बाय डिफॉल्ट इसका डिजाइन व्यू में लेबल आ रहा है कॉम्बो ठीक है आई वॉन्ट टू गिव द नेम लेबल एज सिटी नाउ क्लिक ऑन द फिनिश ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन हो गई आपकी कॉम्बो बॉक्स की इसने सारे स्टेप्स बता दिए यू हैव टू चूज द ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन इसका देखो इसका लेबल भी चेंज हो गया एंड नाउ अब आपको वैल्यूज कैसे पता चलेंगे यू हैव टू गो टू द ले आउट और इफ़ यू वॉन्ट टू फिल द वैल्यूज चूज द वैल्यू यू हैव टू गो टू द फॉर्म व्यू तो यहां से हम इसका व्यू चेंज कर लेते हैं अभी हम डिजाइन व्यू पे थे नाउ वी विल मूव टू फॉर्म व्यू नाउ दिस इज योर फॉर्म व्यू हाँ जी फॉर्म बन गया आपका हमने लेबल भी चेंज लोगो भी लगा दिया था टाइटल भी लगा दिया था एंड देर आर फोर फील्ड्स इन दिस फॉर्म एंड नीचे आपके पास नेविगेशन बाहर आ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर फोर इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इफ़ यू वॉन्ट टू एडिट एनी रिकॉर्ड चलिए मैं सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड पे आई एम ऑलरेडी ऑन द फर्स्ट रिकॉर्ड तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज एडिट द वैल्यू अभी अगर आप स्टूडेंट टेबल में देखेंगे स्टूडेंट टेबल को ओपन करेंगे तो सिटी की वैल्यू किसी में भी एंटर नहीं है क्योंकि हमने एक नया फील्ड एंटर किया है एंड दिस इज नॉट अ प्राइमरी की जिसको आप नल नहीं छोड़ सकते मीन्स आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो बट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वैल्यूज फॉर दिस फोर रिकॉर्ड यू कैन चेंज बाई यूजिंग फॉर्म तो उसके लिए पहले मैं स्टूडेंट टेबल को सेव करके क्लोज कर देती हूँ देन आई वॉन्ट आई कैन चेंज एनी आई कैन मेक चेंजेज इन दिस सो ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड देखो कॉम्बो बॉक्स मैन यू क्लिक क्लिकर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई जो भी आपने सेलेक्ट किए थे ठीक है जो आपने टाइप किए थे यहाँ से मैंने फर्स्ट करनाल चूज कर लिया एंड फॉर सेकेंड रिकॉर्ड अगेन आई कैन चूज एंड फॉर थर्ड रिकॉर्ड ओके एंड फोर्थ रिकॉर्ड मैंने दोबारा से इसे चेंज कर दिया करनाल नाउ सेव दिस फॉर्म एज फॉर्म वन ना लुक इन द टेबल देखिए टेबल में सिटीज एंटर हो गई हर एक रिकॉर्ड के लिए इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन द डिजाइन व्यू सो आज हमने क्या क्या लर्न किया हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म बाई यूजिंग विज आर्ड और बाई यूजिंग द फॉर्म ऑप्शन एंड हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग फॉर्म डिजाइन सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टूडे Have a nice day and remain safe at your home.